छत्तीसगढ़ सहारा पीड़ित संघ सहारा इंडिया के विभिन्न योजनाओं, सोसाइटियों, कंपनी में जमाकर्ताओं के लंबित भुगतान राशि दिलवाने व सहारा प्रमुख सुब्रत राय पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। सहारा इंडिया बैंक में देश भर के करोड़ों जमाकर्ताओं का हजारों करोड़ जमा कर लिया गया था, साथ ही इसकी परिपक्वता राशि अभी तक अप्राप्त है। दुर्ग सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लाखों जमाकर्ताओं के करोड़ों की राशि अब तक लोगों को नहीं मिल पाई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सहारा पीड़ित संघ ने मंगलवार को दुर्ग हिंदी भवन के सामने अपने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से इस जमा राशि को वापस दिलाने की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाई। गौरतलब है कि पीड़ित संघ ने बताया कि दुर्ग छत्तीसगढ़ सहित देश भर में करीब 1000 से ज्यादा एजुकेटर एजेंट आत्महत्या भी कर चुके हैं। कई लोग घर बार छोड़कर भागे भागे फिर रहे हैं। वह इस बैंक में अधिकांश किसान, मजदूर, खोमचे वाले, गृहिणी, रिटायर्ड कर्मचारी गण, पीड़ित जमाकर्ताओं का रुपया जमा है। इसी के चलते पीड़ित जमाकर्ता अपने बेटे बेटियों की शादी, बच्चों को उच्च शिक्षा, इलाज भी नहीं करा पाने के कारण अभाव की जिंदगी जीने मजबूर हो रहे हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर पीड़ित संघ ने धरना प्रदर्शन कर रैली की शक्ल में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सहारा प्रमुख सुब्रत राय की गिरफ्तारी व राशि वापस दिलवाने ज्ञापन सौंपा। साथ ही 15 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। इस संबंध में पीड़ित जमाकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सहारा इंडिया जो परिवार रेल जो पूरे भारत भर में चलता है, तो हम छत्तीसगढ़ और दुर्ग जिले की बात रख रहे हैं। आज हमारे 3 साल से हमारा कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। हमने सभी प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों के पास गए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्लस यहाँ शासन प्रशासन सबसे गुहार लगा रहे हैं, मगर हमारा कोई भी सुन नहीं रहा है। हम 3 साल लगभग हो गए, 3.5 साल हमारा 1 रुपये का भुगतान किसी जमाकर्ताओं का नहीं हो रहा है। और सभी जमाकर्ता के लगभग 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 हज़ार, 30 हज़ार और सबकी गहरी कमाई है। 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 25-50 जमा कर उन्होंने इतना जमा कराया था। और आज हम सबसे गुहार लगा रहे हैं, 3 साल से किस जगह हम लोग नहीं गए, किस मंत्री के पास और किस MLA के पास और सबके पास गुहार लगा रहे हैं, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग जंतर मंतर दिल्ली में भी जाके धरना प्रदर्शन किए 3 दिन तक, मगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शासन प्रशासन सबको क्या हो गया है कि एक सुब्रत राय जैसे महाठग को उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक FIR नहीं लिखा जा रहा है और हमारे जमाकर्ताओं का पैसा आज हर कोई इतना परेशान है, मेडिकल केसेस को लेकर, शादी विवाह को लेकर, जो उन्होंने अपने सपने देखे थे और पैसे जमा किए थे, आज वो पैसे उनको मिल नहीं पा रहे हैं। हमको बार बार ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, मगर फिर भी शासन प्रशासन जग नहीं रहा है, यहाँ की सरकार नहीं जग रही है। सरकार से सिर्फ हम सहायता चाहते हैं, उससे पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको उनसे नौकरी नहीं चाहिए, कोई भत्ता नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारी कानूनी रूप से वो लड़ाई लड़ें और हमारी जमीन जो गरीब जमा करता है छत्तीसगढ़ के, उनका भुगतान दिलाने का काम करें। मगर 3 साल से हम लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, मगर अब थक गए हैं करते करते, मगर अब थकेंगे नहीं, इसको और बड़े पैमाने पे हम लोग लेके जाएंगे आने वाले समय में, अगर फिर भी शासन प्रशासन और सरकार नहीं जगती है। तो मुझे लगता है कि मतलब कोई मीडिया नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं सोशल मीडिया में, जो और आप जैसे प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा, लेकिन जो नेशनल TV है हमारा एक कार्यक्रम नहीं दिखाती। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जहाँ भी हम लोग धरना करते हैं आप जैसे 2-4-10 लोग आते हैं पत्रकार और मीडिया चैनल वाले, मगर नेशनल चैनल हमारा कोई कवरेज नहीं देता, जैसा कि हम इंडिया से नहीं, हम कोई पाकिस्तान से या दूसरे देशों से आए हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।